अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। ये पेशेंट जो है वो एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट थी। इनकी शादी को 4 ईयर्स हो गए थे और इनकी एक दफ़ा हमीद लतीफ़ से एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हुई, यानी वो सारी चॉकलेट सिस्टें रिमूव की गई। और उसके बाद फिर इनको जो है वो नेचुरल कंसीव करने की तरफ टाला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले 6 से 8 महीने के अंदर ये नेचुरल कंसीव नहीं कर सकें और इनकी ये सिस्टें दोबारा बन गई। अब ये पेशेंट मेरे पास आई तो हमने इनका AMH करवाया, तो जैसे पता चला कि इनका AMH काफ़ी लो है। इनका 1.9 AMH था, जबकि इनकी एज अभी सिर्फ 25 साल थी। तो हमने इनको सलाह दी कि आप बार बार एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी कराएंगी तो आपका AMH मज़ीद लो हो जाएगा। हमने इनको इस तरह से किया कि हमने इनको गाइड किया कि आप सिस्ट को एस्परेट करवाएं। हमने इनकी सिस्ट को एस्परेट किया, उसके बाद फिर हमने इनका IVF का प्रोसीजर किया। और IVF के प्रोसीजर के दौरान हमने इनका 2 दफ़ा एग्स कलेक्शन की, क्योंकि इनका AMH लो था। फिर हमने इनका एक एम्ब्रियो बैंक बनाया और इनका तकरीबन कुछ 7 एम्ब्रियोज़ के ऊपर मुश्तमिल एक बैंक बना। फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ 3 एम्ब्रियोज़ बने, सेकेंड अटैम्प्ट में 4 और बन गए, टोटल 7 का एम्ब्रियो बैंक बना। और उसके बाद फिर हमने वो एम्ब्रियो पेशेंट पे ट्रांसफ़र किया। 2 एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र किए एंड शी वॉज लकी इनाफ के इन्होंने कंसीव किया फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। इनका हम ये अल्ट्रासाउंड अभी आपको दिखाते हैं। इसके अंदर माशाल्लाह आज इनके दोनों बच्चों की जो हार्ट बीट है वो आ गई है जी। तो ये अब आज हम अभी इस पेशेंट का स्कैन कर रहे हैं, तो माशाल्लाह देखें, ये इनके 2 सैक हैं और दोनों सैक के अंदर बेबी हैं और उनकी हार्ट बीट भी नज़र आ रही है। ये देखें, ये एक बेबी की हार्ट बीट है, बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ये दूसरा जो है वो ट्विन सैक है, जिसकी के भी हार्ट बीट हमें विजुलाइज हो रही है। अब चूंकि प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं हो रहे होते, तो इसलिए इस पेशेंट की मैं आपको ओवरीज दिखाती हूँ, आप वो देखेंगे। उन ओवरीज के अंदर भी जो है वो किसी भी किस्म की जो सिस्टें हैं वो नहीं हैं। ये अब हम इनकी देख रहे हैं ओवरी। अब ये देखें, ये इनकी ओवरीज के अंदर में फॉलिकल अभी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई फ्लूइड नहीं है, कोई चॉकलेट सिस्ट नहीं है। और ये दोनों फीटर्स हमें एट अ टाइम नज़र आ रहे हैं। ये बड़ा करके देख लेते हैं, दोनों की हार्ट बीट क्लियरली नज़र आ रही है। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाले बच्चे अता करे।